वसंत ऋतु के शुरुआत होने वाली है। धरती के सभी चीजों में स्फूर्ति और सुंदरता आते हैं। इस लुभावनी परिवर्तन के साथ हमारे सबसे पसंदीदा त्योहार होली का शुभ अवसर है। सारे तरफ खुशियों की खिलकारी सुनेगी, साथ ही शानदार और मुंह में पानी लाने वाली मिठाइयों के भंडार खुलने वाली है। इस साल होली में आपके जीवन में मिठास भरने के उम्मीद के साथ एक बढ़िया सा रेसिपी लाए है, और वो है गाजर मालपुआ। नमस्कार दोस्तों, है बास किचन हिंदी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले गाजर के प्यूरे बनाएंगे। मिक्सर जार में 2 कटा हुआ गाजर लेंगे। इसमें 1/2 कप दूध डालेंगे और इसे पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक पीसे, वरना मालपुआ घोल चिकना नहीं बनेगा। गाजर के प्यूरे को एक कटोरी में डालेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप बारीक सूजी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1/2 चम्मच क्रश किया हुआ सौंफ, 1/4 चम्मच केसर का रंग, 1 बड़े चम्मच चीनी, और अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहो तो मैदा से भी मालपुआ बना सकते हैं। सूजी डालने से मालपुआ करारी बनती है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच क्रीम, 3/4 कप दूध, और अच्छे से फेंटते हुए मिक्स करेंगे। आप चाहो तो क्रीम के बदले मावा भी डाल सकते हैं। आप लाल गाजर का इस्तेमाल किए तो रंग और भी बढ़िया आती है। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा पेस्ट जैसा बन चुका है। इसमें थोड़ा दूध और डालेंगे और अच्छे से फेंटते हुए मिक्स करेंगे। आप इसी तरह आम की, चकुंदर की या आलू के मालपुआ भी ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकना घोल बन चुका है। इसे हम 30 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तब तक हम चाशनी की तैयारी करेंगे। पतीले में 2 कप चीनी डालेंगे। इसमें डालेंगे 3 इलायची, चुटकी भर केसर का रंग, 2 कप पानी। अब इसे चलाते हुए चीनी को पिघलाएंगे। चीनी घल चुकी है, इसे 5 मिनट के लिए उबालेंगे। केसर के रंग ऑप्शनल है, आप चाहो तो केसर की कलियां भी डाल सकते हैं। हमें चाशनी में तार नहीं चाहिए, सिर्फ चिपचिपापन आनी चाहिए। ये परफेक्ट है, इसे ढक के अलग रखेंगे। 30 मिनट के बाद मालपुआ के घोल तैयार है। बिल्कुल चिकनी सिरता है, इस तरह फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। अब कड़ची भर घोल को गरम तेल में डालेंगे और इसे शैलो फ्राई करेंगे। कढ़ाई में डीप फ्राई मत करें, वरना ये बन जैसे शेप में आ जाएगा। इसे मध्यम आंच पे ही तले। आप इस मालपुआ को 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे पलटते हुए दोनों तरफ अच्छे से तलेंगे। आप चाहो तो घी में भी तल सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब मालपुआ को इस तरह दबाते हुए बचे हुए तेल को निकाल लेंगे। ये गरम रहते ही इसे चाशनी में डालेंगे और अच्छे से डुबोएंगे। आप चाहो तो इसे रबड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही चाशनी में छोड़ देंगे। लीजिए, ये रही गाजर मालपुआ बिल्कुल तैयार। आपने मालपुआ तो बहुत खाए होंगे, कभी इस तरह के गाजर मालपुआ ट्राई किया है क्या? तो दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और रेसिपी के बारे में हमें कमेंट करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।